Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Shivani and I am your mentor for Indian history and I am continuing my series on history of Jammu and Kashmir. तो होप कि आपको मेरी जो भी वीडियोस हैं उसमें सब कुछ समझ आ रहा होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हो. उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपको अफगान रूल तक पढ़ाया था कि किस तरह से अफगान रूल में कितनी क्रुएलिटी थी. मुगल रूल ने जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो या फिर उन्होंने जो भी एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम जो बना था कश्मीरी शॉल औरंगज़ेब के पीरियड में, और वो किसने किया था, फाउंडर कौन थे, ज़ैनुल अबिदिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ जस्ट इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है. ये वीडियोस में आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, इतना ही पढ़ना आपको. इससे ज़्यादा आपको अननेसेसरी नॉलेज अपने दिमाग में रिटेन नहीं करनी है कि उसका कुछ आउटपुट ना आए एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है. तो उन्होंने कश्मीरी शॉल का जो भी उन्होंने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम बनी थी कश्मीरी शॉल मुगल्स के टाइम पे, जितना भी टूरिज्म के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो वो अफगान रूल में ख़त्म हो रहा था, डिक्लाइन हो गया था ऑलमोस्ट. और अफगान रूल एक डार्केस्ट पीरियड माना जाता है, ठीक है. अफगान रूल को डार्केस्ट पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी थी. अब जब अफगान रूल जो है जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद सिख रूल जो है वो स्टार्ट हो गया. तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से महाराजा रंजीत सिंह ने तीमूर जो था उसके टाइम पे भी इन्वेट किया था, जब उन्होंने अपना एक नेक्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया था. तो वो जो है आप वीडियो उसको वॉच करो, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में जो मैंने पहले लेक्चर्स किए हैं आप स्टार्टिंग से उसको वॉच करो. ऐसे बीच में से कोई रैंडम वीडियो उठा के देखोगे तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें. तो किस तरह से रंजीत सिंह ने दो बार इन्वेजन किया, एक बार तिमूर के टाइम पे जिस टाइम पे वो फेल हो गए थे, और फिर सेकेंड टाइम भी उन्होंने इन्वेजन किया जिसमें वो सक्सेसफुल रहे, वो था अयूब खान. तो सिख रूल हमारा स्टार्ट हो गया 1819 से 1846 तक रहा था. ये स्टार्ट कब हुआ था, 1819 में, और ख़त्म 1846 में. और उसके बाद हमारा आता है डोगरा रूल, ठीक है. उसके बाद डोगरा रूल आ जाता है. और सिख रूल में कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह, जो किसके बेटे थे, मोहन सिंह के बेटे थे, और इनकी मदर थी राजकौर. तो रंजीत सिंह जो थे ये 12 ईयर्स के थे जब इनकी फादर की डेथ हो गई थी, और जो राजकौर थी इनकी मदर, उन्होंने ही इनको ब्रॉटअप किया था. उसके बाद इन्होंने, रंजीत सिंह जो हैं वो यहाँ पे आए थे जम्मू कश्मीर में, और इन्होंने फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट जो किया था वो था दीवान मोती राम. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है कि फर्स्ट सिख जो गवर्नर अपॉइंट हुआ था वो कौन था. एक जो चीज़ें फर्स्ट होती हैं, लास्ट होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. या किसी बच्चे को लेके कोई क्वेश्चन है या फिर वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है जिसमें फर्स्ट हो या लास्ट हो तो वो पक्का करो, और जो भी वुमेन से रिलेटेड हो वो भी पक्का करो, ठीक है. जो भी करंट के रिलेटेड है वो तो करना ही है. तो दीवान मोती राम थे जो फर्स्ट सिख गवर्नर थे. और यहाँ पे क्या होता था, कोतवाल दीवान एंड कुल पुरोहित होते थे जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इनको हेल्प करते थे. उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया था. तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, April 25, 1809 में. अब यहाँ पे ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था कि जो इंडिया में इन्होंने कहा था, ठीक है, जो सतलुज है, ठीक है, सतलुज जो रिवर था, इन्होंने कहा, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ये ट्रीटी साइन की थी. ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि हम नॉर्थ में इन्वेड नहीं करेंगे और तुम साउथ में इन्वेड नहीं करोगे, और सतलुज रिवर को इन्होंने एक बैरियर जो है उस तरह से माना था. 1809 में इन्होंने इस चीज़ को साइन तो किया बट ये सक्सेसफुल नहीं रही थी, और इस ट्रीटी का उल्लंघन हो गया था 1845 में, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर फेल हो गई थी. उसके बाद इन्होंने एक और ट्रीटी साइन की थी 1838 में, जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में साइन हुई थी, और उसको ट्रीटी ऑफ टाइपर-टाइट भी कहते हैं. ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है, ठीक है. ये दोनों और ट्रीटी ऑफ अमृतसर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आपके उसमें एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आ जाए. एक तो मुझे ज़ैनुल अबिदिन की इंट्यूशन है और इसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है. खड़क सिंह आए इसके बाद, इनके सन थे. अब जो रंजीत सिंह थे ये किस पे रिलाई करते थे, इनका क्या कंसेप्ट था मैट्रिमोनियल अलायंस का. अब मैट्रिमोनियल अलायंस में ये ज़्यादा शादियाँ करते थे, बच्चे करते थे, कि ताकि हमारा जो एम्पायर है या रूल है वो ज़्यादा देर तक चलता रहे, ठीक है. एक वाइफ है या उसके बच्चे हैं दूसरे हैं, तो उससे एम्पायर को एक्सपैंड करना. बट इनकी ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई थी. और जो खड़क सिंह थे ये इनके सन थे, ठीक है. उसके बाद खड़क सिंह आए, ठीक है. खड़क सिंह का जो रूल था 1839 में आया, ठीक है. ये इनके बेटे थे. और चांद कौर जो थी, ठीक है, उसने क्या किया था, ये नवनिहाल जो है, नवनिहाल इनका बेटा था, ठीक है. चांद कौर खड़क सिंह की वाइफ थी, ठीक है.
चांद कौर खड़क सिंह की जो थी वाइफ थी, और खड़क सिंह चांद कौर का बेटा था नवनिहाल, और नवनिहाल की जो वाइफ थी वो थी सतबीर कौर। ठीक है, अब क्या हुआ था कि खड़क सिंह की डेथ के बाद जो चांद कौर थी उसने क्या किया, खड़क सिंह के बाद आते हैं नवनिहाल, फिर नवनिहाल की भी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे फिर दो फीमेल्स रह जाती हैं, एक चांद कौर और एक सतबीर कौर। तो सतबीर कौर प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने चांद कौर ने अनाउंस किया कि जब तक सतबीर कौर को चाइल्ड नहीं हो जाता तो उस टाइम तक मैं रूल करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सतबीर कौर का जो चाइल्ड था वो स्टिलबॉर्न था, ठीक है, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। तो फिर वो जो रूल था चांद कौर का वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा, और फिर उसके बाद आ गए उनकी दूसरी वाइफ से जो बेटे थे शेर सिंह, इनका रूल रहा 1841 से 43, और एक षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी से इनका भी मर्डर हो गया, और फिर आए दुलीप सिंह जो किसके बेटे थे, जिंद या जिंदन कौर के, और ये बहुत छोटे थे जब ये आए थे, और जिंदन कौर जो है ये लास्ट स्पाउस थी किसकी, रंजीत सिंह की। तो आपको ये भी एमसीक्यू आ सकता है, वो वॉज द लास्ट स्पाउस ऑफ रंजीत सिंह, तो वो जिंद कौर या जिंदन कौर थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, जिंद कौर या जिंदन कौर, ठीक है। और लास्ट सिख गवर्नर जो अपॉइंट किए थे इन्होंने, ये कौन था, शेख इमामुद्दीन 1845 में। और इनकी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये भी इसी टाइम पे फेल हो गई थी, क्योंकि ये यहाँ से इन्वेजन इनका हो रहा था, ठीक है। तो ये सारा आ गया सिख रूल, और सिख रूल कितने टाइम के लिए रहा था, ये रहा था 27 to 28 ईयर्स के लिए, नॉट लाइक अफगान रूल। अफगान रूल के दो रिंग्स थे, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो था 5 मंथ्स का था, उसमें उन्होंने जो गवर्नर अपॉइंट किया था वो था अब्दुल्ला खान इश्क 81, और सेकेंड टाइम पे जो उनका रिन आया था अफगान रूल का वो था 57 to 58 ईयर्स के अराउंड, और उस टाइम जो गवर्नर था वो कौन था, नूरुद्दीन। और इनका सिख रूल का क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी, ठीक है, यहाँ पे इनके बहुत सारी वाइफ्स और उनके बच्चे थे, तो उनका ही आपस में कॉन्स्पिरेसीज हुई, ठीक है, मर्डर हुए। तो एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने रूल किया जो एक 27 to 28 ईयर्स तक था, और उसके बाद हमारा डोगरा रूल की एंट्री हुई थी J&K में। और डोगरा रूल कब ख़त्म हुआ था, 1947 में, जब इंडिया को आज़ादी मिली, और उसके बाद पार्टीशन शुरू हुआ, तो डोगरा रूल का भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो अब जो इसके बाद आएगा वो आएगा डोगरा रूल, और इसके बाद मैं थोड़े MCQs भी लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि MCQs भी लाओ। तो वैसे तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये MCQ वाइज ही है, और जो आपका क्लास 4 एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एक रनिंग शॉर्ट नोट बना लिया करो, ताकि आपको बार बार ऐसे एग्ज़ाम टाइम पे आप उसको जल्दी से क्विक रिवीजन भी दे सको, कि एक दो बार वीडियो देखा, रनिंग नोट्स बनाए, कि वो एक कंपाइलेशन रहे एग्जामिनेशन से पहले आपके पास, ठीक है। तो सिख रूल में आपको पता चल गया, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सिख गवर्नर जो थे वो कौन थे, दीवान मोती राम। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो तीन हैं बहुत, एक तो ये फर्स्ट सिख गवर्नर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, और लास्ट सिख गवर्नर। एक तो फर्स्ट है जो, और जो लास्ट है, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और एडमिट कार्ड का वेट मत करो, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखो, कि जब भी एडमिट कार्ड आए तो आपको बस रिवीजन की ज़रूरत हो उस टाइम पे, यू नीड नॉट टू स्पेंड मोर आवर्स एट दैट टाइम, ठीक है। तो अभी से ही अपना तैयारी रखो, और भी कंपोनेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इट्स नॉट लाइक कि हिस्ट्री पढ़ना है, और भी कंपोनेंट्स हैं, तो स्टडी हार्ड, और ताकि जब एडमिट कार्ड आए तो आपको सिर्फ रिवीजन करना हो, और शॉर्ट रनिंग नोट्स हो, कि एग्जामिनेशन से पहले आप उसको रिवाइज कर लो, टचअप कर लो, क्योंकि एग्जाम से पहले वीडियोस थोड़ी ना देखोगे बैठ के। तो ये सारी चीज़ें आप कवर अप कर लेना, और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं MCQs लेके आऊँगी, 20 MCQs में लेके आऊँगी, देन मैं डोगरा रूल पे आऊँगी, और फिर मैं कंप्लीट दोबारा से 20 MCQs जो सबके साथ रिलेटेड होंगे, लाइक जिसमें अफगान रूल, मुगल रूल, ये सारे रूल्स होंगे अर्ली भी, ठीक है, और सारा कवर अप होगा। अभी जो मेरा नेक्स्ट 20 MCQs होंगे वो टिल सिख रूल तक होंगे, उसके बाद मैं डोगरा रूल कवर अप करूँगी, और डोगरा रूल के बाद अर्ली से डोगरा तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs बनेंगे वो मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड अप करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड स्टडी हार्ड। टिल देन टेक केयर, बाय।